हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट पावरफुल मेक्स के बारे में। मेक्स को रैंक करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैंने जितने भी मेक्स को रैंक किया है वो लेटेस्ट ग्रेड अपडेट के बाद वाले न्यू स्टैट्स के बेसिस पर किए गए हैं। और तो और यहाँ पे ये भी मैटर करता है कि उस मेक का एबिलिटी कैसा है और इनका एचपी या स्पीड कितना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस कमाल के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं या फिर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल बटन आएगा उसे भी ऑन कर दें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। नंबर 5, सर्ज। सर्ज एक लेजेंडरी स्काउट मेक है और जैसा कि हम जानते हैं कि हर मेक्स को उनके एबिलिटी ही उन्हें खास बनाती है, तो सर्ज के पास भी दोस्तों एक कमाल का एबिलिटी है जिसे कहते हैं स्टॉर्म डैश। इस मेक के एबिलिटी को तीन तीन मेक्स के एबिलिटीज को हाइब्रिड करने के बाद बनाया गया है। जब आप सर्ज के एबिलिटी को यूज़ करते हैं तो ये किलशॉट की तरह डैश के साथ तेज़ी से आगे की तरफ भागता है और मेक्स को अपने डैश के साथ डैमेज करने के बजाय ये उन्हें जफैर की एएमपी की तरह फ्रीज कर देता है। और बस इतना ही नहीं, ये आपको कुछ समय के लिए शैडो की तरह स्टेल्थ मोड को भी ऑन कर देता है, जिसकी मदद से आप कुछ समय के लिए एनिमीज के टारगेट सिस्टम में नहीं आ पाओगे। अगर आप एक बार इसकी एबिलिटी को सही से यूज़ करना सीख जाएं, तो आपको इस मेक को यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। इस मेक की स्पीड तो अच्छी है ही और ग्रेड अपडेट के बाद इसके एचपी को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। अगर आपको सर्ज मेक पसंद आया है दोस्तों, तो मैं आपको इस पे आर्क टोरेंट 12 या डिस लॉन्चर 12 जैसे वेपन्स का यूज़ करने को सजेस्ट करूँगा। नंबर 4, स्टॉकर। स्टॉकर एक अटैकर मेक है और आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि स्टॉकर आखिर सर्ज से ऊपर क्यों है। वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस गेम में एचपी ज़्यादा मैटर करता है और इसी वजह से स्टॉकर को मैंने नंबर 4 पे रखा है। हालांकि इसकी एचपी भी सर्ज से बहुत कम है, लेकिन ये अपनी एचपी को 10% बढ़ा सकता है हर एक मेक को एलिमिनेट करने के बाद अपनी प्रीडेटर ड्राइव एबिलिटी को यूज़ करके। तो ये मेक अपने आप को हील भी कर सकता है, बस इसी वजह से मैंने इसे सर्ज से ऊपर रखा है। और सिर्फ हीलिंग ही नहीं, बल्कि जब भी आप इसकी एबिलिटी को यूज़ करेंगे तो ये अपने वेपन्स की डैमेज को भी 50% बूस्ट कर देता है। लेकिन इसकी एक कमज़ोरी भी है, जब भी आप इसकी एबिलिटी को यूज़ करेंगे तो एनिमीज के अटैक्स का डैमेज भी इसके लिए 25% बढ़ जाता है। इसीलिए आपको इस मेक के साथ बहुत ही सावधानी से खेलना होगा, नहीं तो आप इसे अच्छे तरह से यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, अगर आपको स्टॉकर मेक पसंद आया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टॉकर पे आर्क टोरेंट 12 या डिस लॉन्चर 12 जैसे वेपन का यूज़ करें। अब बढ़ते हैं हम टॉप 3 मेक्स की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आ रहा है तो इसे अभी लाइक कर दें। इस वीडियो का लाइक एम मैंने सिर्फ 500 लाइक्स रखा है, उम्मीद है कि आप लोग इसे कंप्लीट कर देंगे। नंबर 3, बैस्टियन। बैस्टियन एक लेजेंडरी टैंक मेक है और ये इकलौता ऐसा टैंक मेक है जो वाकई में एक टैंक मेक कहलाने के लायक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस गेम में बैस्टियन का एचपी ही सबसे ज़्यादा है और इसकी स्पीड भी काफ़ी डिसेंट है। अब बात करते हैं इसकी एबिलिटी की। तो गाइज, बैस्टियन के पास ब्लास्ट शील्ड नाम का एक एबिलिटी है जिसे ऑन करने से एक रिंग जैसा शील्ड इसको चारों तरफ से कवर कर लेता है और ये शील्ड इसे एनिमीज के अटैक से बचाता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस शील्ड का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, तो ये तब तक डिसअपेयर नहीं होता है जब तक इसे कोई एनिमी मेक डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो अगर आप इस शील्ड के एचपी के साथ बैस्टियन का हेल्थ देखोगे तो वो और भी ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए इस मेक को आसानी से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। और जब इसका शील्ड कोई एनिमी मेक डिस्ट्रॉय कर देता है तब एक छोटा सा धमाका भी होता है जिसके वजह से आसपास के एनिमी मेक्स फ्रीज हो जाते हैं और उन्हें थोड़ा सा डैमेज भी होता है। तो गाइस, अगर आपको बैस्टियन मेक पसंद आया है
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें EM राइफल 12 जैसे वेपन्स का यूज करें। नंबर 2, पैंथर। पैंथर एक एपिक अटैकर मेक है और पैंथर को ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स जानते ही हैं क्योंकि ये काफ़ी लोगों का फेवरेट मेक है और इसकी खास एबिलिटी स्टेसिस बैरियर इसे और भी ज़्यादा पावरफुल बनाती है। इसकी एबिलिटी को यूज़ करते ही एक लंबा बैरियर आपके बैटलफील्ड में आ जाता है और ये बैरियर आपको और आपके टीममेट्स को एनिमीज के अटैक से बचाता है। और तो और अगर एनिमीज इसे पार करने का सोचे तो ये उन्हें स्टेसिस इफेक्ट के जरिए स्लो कर देता है। इस मेक की स्पीड तो काफ़ी अच्छी है ही, लेकिन इसकी HP थोड़ी कम है। अगर आप इसे एक बार सही से यूज़ करना सीख जाएं, तो आप इस HP के साथ भी लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे। पैंथर के लिए जो वेपन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, वो है EM राइफल 16 और ये वेपन अभी इस गेम का बेस्ट वेपन है। नंबर 1, रिडीमर। रिडीमर भी एक एपिक स्काउट मेक है और इस मेक को सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाता है इसकी बैक ट्रैक एबिलिटी। जब भी आप इसकी बैक ट्रैक एबिलिटी को यूज़ करोगे तो आपका मेक 10 सेकंड पीछे चला जाता है और वो वापस उसी जगह पहुंच जाता है जिस जगह वो 10 सेकंड पहले था। इस मेक की एबिलिटी इसे बहुत ज़्यादा ट्रिकी बनाती है और आपकी टाइमिंग अगर अच्छी होगी तो आप एनिमीज के काफ़ी सारे अटैक से बच सकते हैं। इसकी एबिलिटी काफ़ी सारे मेक्स और वेपन्स की एबिलिटी को रिवर्स कर सकती है, जैसे कि स्टेसिस बीम का स्टेसिस इफेक्ट, थर्मल लेंस का ओवरहीट इफेक्ट, ग्रेविटॉन बीम का इम्प्लोजन इफेक्ट, जेफर बैस्टियन और सर्च के EMP इफेक्ट्स, रिडॉक्स का करोजन इफेक्ट, ओरायन का मार्क इफेक्ट, वोल्टिक RPG और आर्क टोरेंट्स का शॉक इफेक्ट। ये मेक इन सारे मेक्स और वेपन्स की एबिलिटीज़ को रिवर्स कर सकती है, लेकिन इस मेक को यूज़ करना उतना आसान नहीं है क्योंकि इसकी एबिलिटी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसे यूज़ करने के लिए आपको बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस और स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप इसके साथ अपने बैटल्स में धूम मचा सकते हैं। रिडीमर के लिए बेस्ट वेपन जो मैं सजेस्ट करूँगा वो है EM राइफल 12। सो गाइस, आज का हमारा टॉप 5 मोस्ट पावरफुल मेक्स का ये वीडियो ख़त्म होता है और ये वीडियो मैं जब बना रहा हूँ तो गेम में सिर्फ 26 मेक्स अवेलेबल है। इन फ्यूचर और भी बहुत सारे मेक्स आ सकते हैं और वो इन रैंक्स को बीट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये पांचों इस गेम में बेस्ट हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और अगर आपका कोई ओपिनियन है तो नीचे मुझे कमेंट में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।